गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो गैस्ट्रुलेशन का सेकंड पार्ट है। इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है गैस्ट्रुलेशन, ये बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी के सेकंड पेपर का एक टॉपिक है। तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भ्रूणीय परिवर्धन की क्रिया होती है तो उस समय मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला ऐसी कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस, कुछ परिवर्धन अवस्थाएं दिखाई देती हैं। तो जो गैस्ट्रूला स्टेज है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, उस गैस्ट्रूला स्टेज के निर्माण की प्रक्रिया गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। और जो गैस्ट्रूला स्टेज है इसका निर्माण ब्लास्टूला अवस्था से होता है। तो कल हम लोग डिस्कस ऐसा कर रहे थे कि जब ब्लास्टूला अवस्था से गैस्ट्रूला अवस्था का निर्माण होता है तो उस समय मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, हिंदी में जिसे हम संरचना विकास गतियां इस नाम से जानते हैं, तो उस समय हम देखते हैं कि कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की गतियां होती हैं और इन्हीं कोशिकीय गतियों के कारण भ्रूण में जनन स्तर, एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म और एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म का निर्माण होता है और विभिन्न प्रकार की संरचनाएं भ्रूण में बनती है। तो भ्रूण में ये जो संरचनाएं बन रही हैं ये संरचनाएं इन कोशिकीय गतियों के कारण बन रही हैं, इसीलिए इन गतियों को मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, संरचना विकास गतियां कहा जाता है। तो कल हमने डिस्कस किया था कि गैस्ट्रुलेशन के समय ये जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट हो रहे हैं ये दो प्रकार के, एक कल हमने डिस्कस किया था
गैस्ट्रुलेशन के फर्स्ट पार्ट में, वो था एपिबोली। आज हम गैस्ट्रुलेशन के सेकंड पार्ट में, जो दूसरे प्रकार का मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट डिस्कस करेंगे आज, वो एम्बोली है। यहां तक ठीक? एक चीज यहां क्लियर करें आप लोग, एपिबोली और एम्बोली, इन दोनों में एक डिफरेंस हमें ध्यान में रहना चाहिए। एपिबोली मूवमेंट माइक्रोमीयर्स, यानी जो लघु कोरक खंड जो आगे चलकर एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म बनाएंगे, तो उसके लिए हमने कल भी डिस्कस किया था। हम एक शब्द काम में लेते हैं, प्रिजम्प्टिव, यानी भविष्य की आगे चलकर बनने वाली संरचना। तो जो ब्लास्टोमियर्स कोरक खंड प्रिजम्प्टिव एक्टोडर्म का निर्माण करेंगे, वो एपिबोली मूवमेंट प्रदर्शित करेंगे। एक चीज क्लियर? आज जो बात कर रहे हैं एम्बोली की, तो समझें कि जो ब्लास्टोमियर प्रिजम्प्टिव मीजोडर्म और प्रिजम्प्टिव एंडोडर्म, यानी वो कोरक खंड जो आगे चलकर मीजोडर्म जनन स्तर का और एंडोडर्म जनन स्तर का निर्माण करेंगे, उनके द्वारा जो मूवमेंट शो किया जाएगा वो एम्बोली होगा। तो एक डिफरेंस सबके माइंड में क्लियर हुआ, एपिबोली मूवमेंट कौन से कोरक खंड प्रदर्शित करेंगे और एम्बोली मूवमेंट कौन से कोरक खंड प्रदर्शित करेंगे। यहां तक ठीक है? तो कल की जो बात है वहीं से मैं आगे बढ़ूंगा। कल हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन एपिबोली मूवमेंट के बारे में किया था, और वहां एक बात समझ में आई थी कि जो लघु कोरक खंड है माइक्रोमीयर्स, और किस और होंगे वो, जहां एनिमल पोल जंतु ध्रुव होगा उस और होंगे। तो जो लघु कोरक खंड हैं माइक्रोमीयर्स हैं, ये तेजी से विभाजित होते हैं, और जब वो तेजी से विभाजित होंगे और अधिक संख्या में कोरक खंड बनेंगे, तो ये माइक्रोमीयर पूरे ब्लास्टुला को कवर कर लेंगे। तो कल एक डायग्राम में ड्रॉ किया था किस तरह से इन्होंने पूरे ब्लास्टुला को कवर कर दिया। अच्छा, जब एपिबोली हुई तो हुआ क्या कि ये माइक्रोमीयर्स लघु कोरक खंड लगातार दीर्घ कोरक खंड के ऊपर आने लग गए। संख्या इतनी बढ़ गई कि जंतु ध्रुव से, एनिमल पोल से, अब ये लघु कोरक खंड माइक्रोमीयर्स मेगामीयर की ऊपर, यानी जहां पीतक है, काय ध्रुव वेजिटल पोल है, उस ओर बढ़ने लगेंगे और पूरे ब्लास्टुला को कवर कर लेंगे। तो कल डिस्कस किया था एक जगह छूटती है केवल, जहां ब्लास्टोपोर कोरक रंध्र होगा उसको छोड़कर पूरे ब्लास्टुला को माइक्रोमीयर एपिबोली मूवमेंट के द्वारा कवर कर लेंगे। अब होगा क्या
जब माइक्रोमीयर एनिमल पोल से वेजिटल पोल की ओर आएंगे, ऐसे अगर मैं इसको शो करूं तो अपन कैसे शो करेंगे कि ये माइक्रोमीयर लगातार ऐसे इस तरह से नीचे की ओर आ रहे हैं। तो ये एनिमल पोल, ये वेजिटल पोल। तो वेजिटल पोल की ओर आ रहे हैं जहां पहले से ऑलरेडी क्या है, मेगामीयर दीर्घ कोरक खंड। तो क्या स्थिति बनेगी, अब ये जो दीर्घ कोरक खंड हैं, मेगामीयर्स हैं, ये क्या करें कि ब्लास्टोपोर से होकर, ये ब्लास्टोपोर है और ये ब्लास्टोसीट, ब्लास्टुला की संरचना में हमने देखा था बीच में एक सेंट्रल कैविटी है, कोरक गुहा, ब्लास्टोसीट। तो मेगामीयर के पास क्या अवसर बचता है कि ये कोरक रंध्र ब्लास्टोपोर से होकर कहां चले जाएं, ब्लास्टोसीट कोरक गुहा की ओर माइग्रेट हो जाए। इसी मूवमेंट का नाम क्या है, एम्बोली। इज इट क्लियर? तो एम्बोली मूवमेंट मेगामीयर जो दीर्घ कोरक खंड है उनके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। लेकिन वो ही मेगामीयर ये मूवमेंट प्रदर्शित करेगी जो भविष्य में मीजोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण करने वाली है। तो बात करते हैं एम्बोली की। तो समझ में आया एम्बोली मूवमेंट हो क्यों रहा है, क्योंकि पहले एपिबोली हुई, लघु कोरक खंड संख्या में बढ़े, वो एनिमल पोल से वेजिटल पोल की ओर आए, इन्होंने पूरे ब्लास्टुला को कवर कर दिया। तो ऐसी स्थिति में वेजिटल पोल वाले भाग में, काय ध्रुव वाले भाग में जो मेगामीयर है, दीर्घ कोरक खंड है, वो अब यहां से कोरक गुहा के अंदर की ओर माइग्रेट होंगे, प्रवास करेंगे। इसी मूवमेंट का नाम एम्बोली है। इज दैट क्लियर? अब अलग अलग एनिमल्स में ये जो एम्बोली की क्रिया है ये भी अलग अलग प्रकार से होती है। तो मैंने समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड पर चार प्रकार की एम्बोली को डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, इन चार के अलावा चार और प्रकार की एम्बोली भी हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो डिटेल में आज हम इनवेजिनेशन, इनवॉल्यूशन, इनफिल्ट्रेशन और डीलेमिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इनके अलावा कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, पॉली इनवेजिनेशन और एक प्रसारण यानी फैलाव, ये भी कुछ प्रमुख एम्बोली होती है। तो चार तो मैंने डिस्कस की है बोर्ड पे, चार हम अभी और डिस्कस कर लेंगे। तो शुरू करते हैं एक एक करके। पहले प्रकार की जो एम्बोली है उसका नाम है इनवेजिनेशन। तो अगर हमें इनवेजिनेशन, इसको हम अंतर्वलन इस नाम से जानते हैं। देखो क्या होगा, बिल्कुल सिंपली इसको समझने की कोशिश करें। माइक्रोमीयर लघु कोरक खंड, ये मैं अगर ऐसे विभाजित कर दूं तो ये हिस्सा एनिमल पोल का है, यहां तेजी से विभाजन हो रहे हैं, तो बने हुए लघु कोरक खंड वेजिटल पोल की ओर
माइग्रेट कर रहे हैं, एपिबोली हो रही है। तो ये जो मेगामियर्स हैं, दीर्घ कोरक खंड है, ये क्या करेंगे कि कोरक रंध्र, ये कोरक रंध्र है, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं, दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर, कोरक छिद्र, कोरक रंध्र। ये जो कैविटी है, देखो होगा क्या कि जब ये सेल अंदर एंटर करेगी, कैसे कि ये सेल यहां से अंदर एंटर करेगी, ये सेल यहां से अंदर एंटर करेगी, तो एंटर करते 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 ये इस तरह से एंटर करेगी, तो ऐसी एक स्ट्रक्चर बनेगी। ऐसा होने से क्या होगा कि जो ब्लास्टोसील थी, लगातार साइज में क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, क्योंकि कोरक गुहा ब्लास्टोसील अब एक स्थान प्रदान करेगी, कौन सी क्रिया के लिए, इनवेजिनेशन के लिए, यानी इस क्रिया द्वारा भविष्य की मीजोडर्म, भविष्य की एंडोडर्म, कोरक रंध्र से इस कोरक गुहा में प्रवेश करेगी, तो कोरक गुहा का आकार लगातार छोटा होता जाएगा और हम क्या देखेंगे कि धीरे धीरे ब्लास्टोसील गायब हो जाएगी और उसकी जगह एक नई गुहा यहां पर बनेगी इन दोनों के बीच में। उस गुहा का नाम होगा आर्केंट्रॉन, आद्य नाल उसे कहेंगे। तो देखो ब्लास्टोसील जो है, अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो उसके चारों ओर सिंगल लेयर है, ब्लास्टुला में पड़ा था, इस सिंगल लेयर का नाम ब्लास्टोडर्म था और इस कैविटी का नाम ब्लास्टोसील। तो जैसे ही आप ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला में पहुंचे तो एक नई कैविटी बनी जिसके चारों ओर दोहरा आवरण है, अभी तो सिंगल था, तब तो कोरक गुहा थी, दोहरा आवरण हो जाएगा तो उसे आर्केंट्रॉन आद्य नाल कहेंगे। इसकी एक ओपनिंग होगी जिसे ब्लास्टोपोर, कोरक रंध्र के नाम से जाना जाएगा। तो ये पहले प्रकार की एम्बोली हुई जिसका नाम है इनवेजिनेशन अंतर्वलन। तो डायग्राम से समझ में आया किस तरह मेगामियर या प्रिज्मटिव मीजोडर्म और एंडोडर्म कैसे ब्लास्टोपोर से होकर अंदर एंटर करेगी और इस प्रकार ब्लास्टोसील का आकार छोटा होता जाएगा और उसकी जगह एक नई कैविटी आर्केंट्रॉन या आद्य नाल का निर्माण होगा। तो ये समझ में आया आपको एक इनवेजिनेशन के बारे में। तो इस प्रकार की एम्बोली हमें उन एग्स में दिखाई देती हैं जिनमें योक का अमाउंट कम है, ज्यादा योक नहीं है, उन एग्स में हमें ये इनवेजिनेशन, इस प्रकार की एम्बोली दिखाई देती है। तो एक समझ में आया, अब बात करते हैं इनवॉल्यूशन की। यह भी एक प्रकार का इनवेजिनेशन ही है, लेकिन यहां जो सेल अंदर एंटर करेगी वो जब ब्लास्टोपोर, ये रीजन कोरक रंध्र है मान लो यहां पर, और यहां से सेल अंदर एंटर कर रही है तो अंतर्वलन तो हो ही रहा है, सेल अंदर तो आ ही रही है, ब्लास्टोमियन अंदर एंटर कर रहा है, लेकिन वो घूर्णन और करेगा। घूर्णन का मतलब है अगर ये सेल इस तरह से प्रेजेंट है यहां पर और इनको अंदर एंटर करना है तो ये सेल पूरी ऐसे घूर्णन करती हुई अंदर एंटर आएगी। तो रोटेशन, इनवेजिनेशन के साथ साथ घूर्णन भी हो रहा है, तो ऐसी एम्बोली का नाम है इनवॉल्यूशन। तो क्या होगा, ये सेल्स
लगातार जब बढ़ती जाएगी तो इस ब्लास्टोपोर से होकर अंदर एंटर आएगी। तो ये एक लेयर थी, एक नीचे लेयर बन गई और ये घूर्णन करती हुई अंदर आएगी, रोटेशन करती हुई अंदर आएगी। ऐसी एम्बोली का नाम है इनवॉल्यूशन। तो ऐसा तो कम योक वाले अंडे थे, एम्फियोक्सिस आप याद कर सकते हैं। ऐसा हमें मेडक के अंडे में, एम्फीबियंस, अगर हम फ्रॉग का डेवलपमेंट देखते हैं एम्ब्रियोनिक, तो वहां हमें इनवॉल्यूशन प्रकार की एम्बोली दिखाई देती है। तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, यहां केवल अंतर्वलन है। यहां जो कोशिका अंतर्वलित हो रही है कोरक रंध्र से, वो घूर्णन करती हुई अंदर प्रवेश करेगी। तो इनवेजिनेशन के बाद दूसरा हमने डिस्कस किया इनवॉल्यूशन, तीसरा हम डिस्कस कर रहे हैं इनफिल्ट्रेशन, हिंदी में इसे अंतर छनन कहा जाएगा। इस प्रकार की एम्बोली जो है वो हमें पक्षियों में, रेप्टाइल्स में दिखाई देती है। क्या होता है इस प्रोसेस में कि ये तो पूरा योक है, यानी जर्मिनल डिस्क में ही क्लीवेज होती है, पढ़ा था हमने। तो क्या होगा, ये सेल्स जो है एपिब्लास्ट, ये कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहेगी और यहां से अलग अलग कोशिकाएं टूट टूट कर, अलग अलग, ये कोशिका टूटी, ये टूट गई, ऐसे ये टूटी और टूट कर ऐसे नीचे आकर व्यवस्थित होकर एक लेयर बना देगी हाइपोब्लास्ट। तो एपिब्लास्ट तो है, तो एपिब्लास्ट की कोशिकाएं एक एक करके टूट टूट कर अलग होगी और फिर वो व्यवस्थित होकर एक परत बना देगी। ऐसी एम्बोली को हमने नाम दिया इनफिल्ट्रेशन। एग्जाम्पल दिया मैंने पक्षियों में, सरीसृपों में जो हाइपोब्लास्ट बनती हैं वो इसी प्रकार उसका निर्माण होता है। लास्ट में बात कर रहा हूं डीलेमिनेशन, ये भी इसी प्रकार का है। लेकिन यहां क्या है, देखो यहां तो कोशिकाएं टूट टूट कर अलग हुई, फिर व्यवस्थित हुई और परत बनाई, या पहले से ही एक परत बन गई है और फिर ये पूरी की पूरी परत नीचे खिसक गई, शिफ्ट हो गई। इसको कहते हैं डीलेमिनेशन। मैमल्स में, स्तनधारियों में इस प्रकार की एम्बोली मूवमेंट पाई जाती है। तो इनवेजिनेशन, इनवॉल्यूशन, इनफिल्ट्रेशन और डीलेमिनेशन, ये चार जो मुख्य थे, मैंने आपको डायग्राम के द्वारा इन चारों प्रकार की एम्बोली मूवमेंट के बारे में बताया। तो यहां तक तो आपको समझ में आया। अब जो चार और हैं वो शॉर्ट में अपन डिस्कस करते हैं। एक का नाम है कन्वर्जेंस। देखो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, ये दो शब्द हम फर्स्ट ईयर में भी समझ चुके हैं। कन्वर्जेंस का मतलब अलग अलग भागों से कोशिकाएं एक जगह आए और फिर कोई स्ट्रक्चर बनाए वहां आकर। तो क्या होता है कन्वर्जेंस मूवमेंट में कि कोशिकाएं भ्रूण के यानी ब्लास्टूला के अलग अलग भागों से आएगी, एक जगह आएगी और एक कोई संरचना बनाए। तो हम देखते हैं कि जब चिक मुर्गी के अंडे में परिवर्धन देखते हैं तो वहां क्या देखते हैं, पक्षियों में एक आदि रेखा, प्रिमिटिव स्ट्रिक का निर्माण होता है, एक आदि रेखा बनती है। तो ये जो प्रिमिटिव स्ट्रिक का निर्माण हो रहा है पक्षियों में, ये कन्वर्जेंस मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट के द्वारा हो रहा है, जिसमें ब्लास्टूला के अलग अलग भाग से कोशिकाएं एक जगह आती हैं और आकर फिर वो आदि रेखा प्रिमिटिव स्ट्रिक का निर्माण करती है। तो पांचवा हो गया कन्वर्जेंस। छठे प्रकार का जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है वो है डाइवर्जेंस।
डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस का उल्टा, एक जगह से कोशिकाएं दूर दूर जाएगी, अलग अलग भागों में जाएगी और संरचनाएं बनाएगी। तो चिक वही मुर्गी के परिवर्धन को देखें तो उसमें जो मीजोडर्म का निर्माण होता है वो डाइवर्जेंस की क्रिया द्वारा होता है। अगला है पॉली इनवेजिनेशन, बहुअंतर्वलन। ये क्रिया हमें प्रोटोथीरिया, जो अंडे देने वाले स्तनधारी हैं जिनका अंडा भी हैवी टीलोलेसी तल है, खूब योक है जिनके अंडे में, उनमें इस प्रकार का पॉली इनवेजिनेशन ये एम्बोली पाई जाती। लास्ट है प्रसरण। प्रसरण का मतलब होता है फैलाव। इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार की सेल की कोई मूवमेंट नहीं है, माइग्रेशन नहीं हो रहा है, केवल भ्रूण अग्रपश्च एंटीरियर पोस्टीरियर दिशा में फैलता है, तो अग्रपश्च दिशा में उसकी लंबाई बढ़ती है तो भ्रूण की आकृति में परिवर्तन दिखाई देता है। तो आज हमने डिस्कस किया गैस्ट्रुलेशन के सेकंड पार्ट के बारे में, और अलग अलग जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट हैं, जो संरचना विकास गतियां हैं, उनको आज हमने कंप्लीट किया। ये डिस्कस किया कि इन्हें संरचना विकास गतियां क्यों कहते हैं, ये कितने प्रकार की हैं, एपिबोली मूवमेंट क्या है, एम्बोली मूवमेंट क्या है, और अलग अलग जंतुओं में जो एम्बोली मूवमेंट होता है वो कितने प्रकार का होता है, ये आज हमने डिस्कस किया। तो आई होप आज का जो लेक्चर था मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, या जिसे आप गैस्ट्रुलेशन कह दो, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम गैस्ट्रुलेशन के सिग्निफिकेंस, गैस्ट्रुलेशन की प्रॉपर्टीज ये डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।